ये सुबह सुबह का टाइम है और हमने पूरा हॉल को खाली कर दिया है। देख रहे हैं कि पूरा हॉल हम लोग खाली कर दिया। टाइम हो रहा है 5:30। करते करते हमें मतलब और आके हम लोग उठे थे और यहाँ पर किचन जो है पूरा बिखरा हुआ है, तो सबको पहले साफ़ करूँगी और सारा सामान जो है हम एक रूम में जा कर रख दिए हैं। और यहाँ दोनों आलू को क्या किए हैं, दो कुकर में पूरा भर भर के आलू में चढ़ा दियो, क्योंकि सत्संग में अच्छे आदमी आते हैं। और ये पटल पूरा मैं काट लूँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कब सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपने तो मेरे छोटा सा ग्लिम्स देखा है कि क्या क्या हो रहा था, सब्जी बन रहा है तो क्या हो रहा है, तो आज हमारे घर में है सत्संग। तो चलिए आगे दिखाते हैं आप लोग के यहाँ, ये हम लोग के यहाँ सत्संग कैसे होता है और क्या क्या करते हैं हम लोग। जय गुरुदेव। हॉल में सब जगह बिच गया है, पूरा देख रहे हैं कि पूरा ही बिच गया है। पूरी बेलना गर्म करने के लिए रखती है। क्या हम लोग का सब्जी भी प्रॉपर बन चुका है? अच्छा लग रहा है। श्वेता ने यहाँ पर चालू कर दिया है पूरी को बेलना। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, पूरी मेकर हैं। साठू और निकालो, श्वेता को बनता नहीं था तो मैं इससे बेलूँगी पूरी। तेल गर्म हो ही रहा है, जब पूरा गर्म हो जाएगा तो फटाफट से पूरी निकाल लूँगी। अहम कहते हैं, इसके शुद्ध होते ही मनुष्य आत्मा से मिल जाता है। जिसका अहम दूषित रहता है उसके विचार दूषित रहते हैं,
और विचार अशुद्ध होने से ये राग बिगड़ जाता है। मैं और मेरा यही आम है, इसे ईश्वर की ओर लगा दिया जाए तो वह शुद्ध हो जाता है। जब तक संसार की ओर यह रहेगा दूषित प्रणाय भेजता रहेगा, इसलिए इस आम शुद्धि के लिए ईश्वर की भाई सत्संग हमारे यहाँ है। सभी भाई से अनुरोध है कि जरूर आवे और यह सत्संग बिहारी में मंदिर के पास होगा। A few moments later. क्या दे पूरी? यहाँ तो हो गया हमारा सत्संग पूरा। तो कैसा लगा आपको हमारे घर का ये सत्संग? आप लोग भी कौन से गुरु जी को मानते हैं? सारे गुरु तो एक ही होते हैं, लेकिन सबके अपने अपने गुरु होते हैं, इसलिए मैंने पूछा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चलिए फिर इस ब्लॉग को इसी के साथ में एंड करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।